ठीक चार्ल्स, व्यास जी की आज्ञा। श्री कृष्णाय नमः। नत्वा श्री वल्लभाचार्यान् पुष्टिमार्गोपदेशकान् विठ्ठलेशान् गुरुं स्तौमि बालकृष्ण मम प्रभुं। गोपीपति समारंभां विष्णुस्वामी मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। पुरुषोत्तम सम्मूलां श्री वैश्वानर मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। श्री गुरुभ्यो नमः। मंचस्थ व्यासपीठस्थ आदरणीय श्री रमेश भाई जी, उपस्थित श्री स्वामीनारायण संप्रदाय संत वृंद एवं च समस्त भगवदीय वैष्णवगण, अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि जैसे आप उत्सुक हैं मैं भी उत्सुक हूं कि यहां कथा का सुंदर क्रम प्रारंभ हो एवं अपन सब यहां पर रसमग्न हो जाएं। श्रीमद् भागवत के महात्म्य में यहां आशीर्वचन में पूर्वाचार्य और व्यास और शुक के वचनों को उद्धृत करना ही मैं समझता हूं कि आशीर्वचन है। तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि श्रीमद् भागवत के महात्म्य में प्रारंभ में ही बताया गया है कि जब हम श्रीमद् भागवत के सप्ताह ज्ञान यज्ञ का निमंत्रण देते हैं तो उसमें प्राचीन काल में जब सभी सुसंस्कृत थे और संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानते थे तब लिखते थे, सताम समाजो भविता सप्तरात्रम सुदुर्लभ अपूर्व रस रूपैव कथा चात्रम भविष्यति। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपटा भवन्तश्च कथामत्र आयात शीघ्र तत्परा। सभी श्रीमद् भागवत रस रसिकों को आदर और आग्रह पूर्वक ये सप्तरात्र में जो दुर्लभ रस की वर्षा होने वाली है उसका पान करने के लिए शास्त्र आज्ञा देता है कि आप सबको बुलाओ। कोई वैष्णव ही अर्थात वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हो केवल वो ही नहीं, अपितु हम प्रथम स्कंद अधिकार लीला से देख सकते हैं कि इस संसार में इस जगत में हर व्यक्ति जो भवरोग से पीड़ित है, जिसको अहमता ममतात्मक ताप क्लेश नित्य सता रहे हैं, उन सभी को ये शांतिप्रद एक कथा है। क्योंकि भगवद गीता में भगवान आज्ञा करते हैं, अशांतस्य कुतः सुखम्। सुख का जो मूल है वो शांति है। जिनके जीवन में शांति नहीं है उनके पास धन ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा मान इत्यादि सब आने के बाद भी एक प्रकार की शून्यता उनको जीवन में प्रतिध्वनित होती है। आज उस शून्यता का निवारण अगर किसी वस्तु से हो सकता है तो वो केवल भगवान श्री कृष्ण के लीला गुणानुवाद से ही हो सकता है। श्रीमद् भागवत आज्ञा स्वयं आज्ञा करती है, प्रविष्टम कर्ण रंध्रेण स्वानाम भाव सरोरुहम धुनोति शमलम कृष्ण सलिलस्य यथा शरत। भगवान श्री कृष्ण इस अमृतमयी कथा के माध्यम से अपने प्रत्येक जीव मात्र के कर्ण रंध्र में से अपने अंदर प्रवेश करके अपने हृदय पे जाके विराजते हैं, और जब अपने भाव रूपी इस हृदय कमल पे भगवान जाके विराजते हैं तो भगवान वहां क्या करते हैं, धुनोति शमलम कृष्ण। जितना भी संसार का मनोमालिन्य ये कलिमल कलुषित हमने एकत्रित कर रखा है इसका प्रक्षालन इसका पंख मार्जन भगवान अपने हृदय में विराज के करते हैं। और इसी कारण भागवत कहती है कि जब ऐसा
पूतात्मा मनुष्य हो जाता है, जिसकी आत्मा को भगवान ने अपनी लीला कथा द्वारा पवित्र कर दिया है। तो धौतात्मा पुरुषः कृष्णः पादमूलं न मुञ्चति। हम कृष्ण चरणारविंद को कौन प्राप्त नहीं करना चाहता? हर व्यक्ति चाहता है मेरे अंदर कृष्ण भक्ति आए, मैं कृष्ण भक्त बनूं। लेकिन शास्त्र बताते हैं जन्मांतर सहस्त्रेशु तपो ज्ञान समाधिना नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। अरे सहस्त्रों जन्मों में जब तप ज्ञान योग इन सबों के द्वारा मनुष्य अपने समस्त संचित पापों को धो डालता है, तब जाके उसके हृदय में कृष्ण भक्ति प्रवेश करती है। आज हम सौभाग्यशाली हैं, वो लोग जिनको सहज में ही संस्कार वशात नवधा भक्ति के माध्यम से भगवत चरणारविंद में अनुराग है। आज ज्ञानी जन जो बड़े लोग हैं, आज भी मैंने ऐसे बहुत लोगों का क्रम देखा है कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का चिंतन करते हैं, संचिंतयेत् भगवतः चरणारविंदम् वज्रांकुशध्वज सरोवराञ्चनाढ्यम्। भगवान के चरणारविंद के चिन्हों का, भगवान के चरणारविंद के छाप का ध्यान करते हैं। हर व्यक्ति चाहता है, क्यों चाहता है कि मेरे को कृष्ण प्रेम हो जाए, क्यों चाहता है कि मैं कृष्ण भक्त बनूं, और बनना भी चाहिए। श्रीमद् भागवत एक बहुत सुंदर आज्ञा करती है, सवई पुंसाम परो धर्मः यतो भक्तिर अधोक्षजे अहैतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसिद्धति। अहैतुकी भक्ति, भगवान की भक्ति के पीछे कोई कारण नहीं होता कि हम क्यों ठाकुर जी की भक्ति करें, क्यों कृष्ण की भक्ति करें। अप्रतिहत, किसी के भी द्वारा वो भक्ति रोकी नहीं जानी चाहिए। भागवत में ही द्वितीय स्कंद में आप श्रवण करेंगे ही, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। परम पुरुष का यजन तो मनुष्य को अकारण ही करना चाहिए। सर्व कामो वा तो शास्त्र ने इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकता। आज हमारे सबके अंदर लौकिक वैदिक पारलौकिक कोई ना कोई कामनाएं हैं, और आप एक वस्तु को समझ के चलो कि भगवान श्री कृष्ण और उनकी ये दिव्य कथा ही हमको वो हर पदार्थ सुलभ करा सकती है जो शायद हमने विचारा भी ना हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम, जब कहा गया तो कितना सुंदर कहा गया कि यह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष, कामधेनु और चिंतामणि, ये तीन ऐसे अलौकिक पदार्थ शास्त्र में बताए हैं जो मनोवांछित सर्व पदार्थ मनुष्य को सुलभ कराते हैं। और आज श्रीमद् भागवत की ये अमृतमयी कथा प्राणी मात्र का वांछित प्रत्येक वस्तु उसको देती है। अधिक समय न लेते हुए, क्योंकि ये संपूर्ण श्रीमद् भागवत केवल कृष्ण कथा नहीं अपितु कृष्ण भक्तों की कथा है, इसलिए कृष्ण भक्तों का नाम लेके मैं अपने वक्तव्य को यहां संपूर्ण करूंगा। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दालब्यान रुक्म्यांगदार्जुन विभीषण वशिष्ठ आदिन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। हम इन परम भागवत महाभागवत भक्तों की कथा, बलिर विभीषणो भीष्मो प्रहलादो नारदो ध्रुवा षडे ते वैष्णवास्ते शाम स्मरणम पापनाशनम, यही सब बोलते हुए हम बड़े हुए। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमामि। हमारे यहां तो वैष्णवों को भी नमस्कार किया गया, भक्तों को भी ऋषि मुनि और संत महंतों की तरह आदृत भाव से देखा गया, क्योंकि ये उनका गौरव है कि जिनके गौरव से वो भगवान के महात्म्य को और उज्ज्वल बनाते हैं। अगर भक्तों में इतनी श्रेष्ठता है तो उनके स्वामी उनके प्रभु कैसे होंगे, बस ये विचार के ही आदमी गदगद कंठ हो जाता है। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के वाज वाजिंत्रों के साथ श्रीमद् भागवत की ऐसी अमृतमयी कथा इतने प्रकार के भजन कीर्तन नाम संकीर्तन के साथ होती है, तो हमको हमारे साधन दीपिका का गोपीनाथ प्रभु चरण का एक वाक्य याद आता है, बिना गदगद कंठे न द्रवता चेतसा बिना बिना नृत्ये न गाने न कथम भक्ति कुतो भवेत। भक्ति के लिए परम आवश्यक है
कि व्यक्ति गदगद कंठ होके द्रवित होके नृत्य और गान के साथ भगवान की इस अमृत माधुरी लीला का गान करे और पान भी करे। आओ अपन सब यहां पे आदरणीय भाई श्री के मुख से इस अमृत कथा को शीघ्र ही पान करें और विशेष करके मनोरथी वर्ग जिनने ये सत्य संकल्प लिया और सत्य संकल्प भगवान श्री कृष्ण ने उनका यह संकल्प पूर्ण किया उनको भूरिशा अभिनंदन पूर्वक आशीर्वाद। यहां उपस्थित सभी वैष्णवों को श्रीमद् भागवत की ये कथा हृदयारूढ़ हो और हृदयारूढ़ हो के उनके जीवन में आचरण के रूप में भी भागवत धर्म प्रवाहित हो। स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम इंद्रियाश्व विनिग्रह्य सर्वथा न त्यजेत्रयम् एष हि भागवतो धर्मः श्रीमदाचार्य सम्मतः। महाप्रभु जगद्गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य चरण को भी भागवत धर्म इसी रूप में अभिप्रेत है कि मनुष्य धर्म का आचरण शक्तिपूर्वक करे, जितनी शक्ति लगा के धर्म का रक्षण कर सके। धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो व्यधित। धर्म की रक्षा आप करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, ऐसा महाभारत का वचन है। तो पूर्ण मनोबल के साथ धर्म रक्षा का संकल्प करके धर्म के लिए मनुष्य को जागृत रहना चाहिए और विधर्माच्च निवर्तनम, जितना हो सके अधर्म अपराध बोध करके पाप आदि का त्याग और अपने इंद्रियों को वश में करके शम दमादि का सेवन करके एक भागवत के रूप में उसको अपने आप को समाज के सामने लाना चाहिए। बस इसी प्रकार की एक सद्भावना के साथ सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य आचार्य चरण श्री गोविंद राय जी महाराज श्री के मंगलमयी आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हुए।